वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष का भरपूर विरोध हो रहा है। पहले साधु संतों ने फिल्म को लेकर आपत्ति जाहिर की और लोगों से इस फिल्म के बहिष्कार की अपील की। फिर उसके बाद अधिवक्ता समाज के कुछ लोगों ने पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस फिल्म के को बंद करने की मांग की। वहीं फिर हिंदूवादी संगठन भी इस फिल्म के विरोध में उतर गए। बाकायदा हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जो मल्टीप्लेक्स जहां यह फिल्म दिखाई जा रही है वहां पर पहुंचे और इस फिल्म के लगे हुए बैनर को फाड़ दिया और वहां पर ये अपील की लोगों से कि इस फिल्म को ना देखें। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों से अपील की कि यह फिल्म सनातन आस्था पर प्रहार कर रही है, ऐसे में फिल्म आदि पुरुष का बहिष्कार करें। उन्होंने इसके निर्माता और जो डायलॉग राइटर है उनकी भी कड़े शब्दों में निंदा की, काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। आदि पुरुष फिल्म को लेकर विरोध का स्वर लगातार जारी है। फिल्म के डायलॉग पर लगातार आपत्ति की जा रही है। काशी के संतों ने भी इस पर आपत्ति की है। काशी में ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि हिंदू या सनातन आस्था पर यह फिल्म सीधे तौर पर प्रहार करती है और पैसा देकर इस तरीके के निंदनीय चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है जो सनातन आस्था पर प्रहार करने वाली फिल्म है, जो डायलॉग है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राम भक्त हनुमान के बारे में जो ये टिप्पणी फिल्म में की गई है और जो डायलॉग दिखाए गए हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसे में लोग इस फिल्म का बहिष्कार करें। लोगों का जो यह बहिष्कार का तरीका है उसके बाद से लोगों में भी इस फिल्म को लेकर एक नकारात्मक रिस्पांस रहा है और लोगों ने इस फिल्म को देखने से परहेज करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मॉल में यह फिल्म लगाई तो गई है लेकिन मॉल वालों का कहना है कि फिल्म के शो चल रहे हैं लेकिन कुर्सियाँ खाली हैं। विरोध के बाद लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दिया है, लोग इस फिल्म को नहीं देख रहे हैं। जो फिल्म के प्रति रिस्पांस था वो नहीं मिल रहा है। आदि पुरुष में कुछ विवादित टिप्पणियां की गई हैं और ईश्वर को, भगवान को, राम भक्त हनुमान को लेकर जो डायलॉग बोले गए हैं वो लोगों को नागवार गुजर रहे हैं। इसी की वजह से लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दिया है। अभी फिल्म को रिलीज़ हुए कई दिन ही हुए हैं लेकिन उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो बाकी फिल्मों को मिलता है। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ। कि हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है। अगर हम जो कुछ कर रहे हैं उसको शास्त्रानुसार करें तो हमारा किया गया हर काम धर्म होता है, और अगर हम शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो अधर्म माने जाते हैं। तो क्या हमारा कुछ देखना, कुछ सुनना भी धर्म अधर्म हो सकता है? तो यही हमारा कहना है कि हाँ, आप अगर कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं तो वो भी धर्म और अधर्म हो सकता है। अगर आप भगवान का दर्शन करते हैं अपनी आँखों से, अगर आप पुण्य पुरुषों का दर्शन करते हैं, पवित्रता नारी का दर्शन करते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं, पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करते हैं, भगवान सूर्यदेव का दर्शन करते हैं, तो आपका देखना ही धर्म है, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं। और अगर आप अपनी आँखों से ऐसे दृश्य देखते हैं जो कि निंदित दृश्य हैं, अश्लील हैं, मर्यादा विरुद्ध हैं, तो निश्चित रूप से देखना ही अधर्म भी हो जाएगा। इसी तरह से सुनना, इसी तरह से बाकी सब कुछ। तो ये बात हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि एक फिल्म आई है जिसका नाम है आदि पुरुष, और आदि पुरुष फिल्म में जैसा कि देखने वालों ने, कई लोगों ने मिल करके अभी तक बताया है, तो ये बताया है कि उसमें जो चित्रण किया गया है उससे हमारी जो धारणा है वो खंडित हो रही है। हमने जिन रूपों में अपने देवी देवताओं को देखा है, जिन रूपों में उनको शास्त्रों में पढ़ा है, वैसा रूप नहीं दिखाया गया, और उनकी जो वाणी है, उनकी जो शब्द हैं वो भी हमारी मर्यादा के अनुरूप नहीं है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि उस फिल्म में जो कुछ आप देख रहे हैं वो दोष का कारण होगा। तो हम ही सनातन धर्मी हिंदुओं से, विशेष करके उनसे जो अपने आप को धर्म के अनुसार चलाए रखना चाहते हैं, जिनको अपने आचार्यों की, अपने शास्त्रों की बात